दुनिया भर में डंका बज रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कितने बुरे हालात हैं, इसका खुलासा अब सार्वजनिक मंच पर हो गया है। भारत को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान दरअसल इतना कंगाल हो चुका है कि सेना के टैंकों में भरने के लिए तेल तक नहीं है। ये बात पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार सेना का खुलकर विरोध कर रहे हैं और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने चौंकाने वाली बातें की हैं। उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख बाजवा उन्हें बताते थे कि सेना भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार नहीं है और भारत से सुलह करने में ही उनके पाकिस्तान की भलाई है। इमरान खान ने दावा किया कि उन्होंने इसके लिए अपनी तरफ से काफी कोशिश भी की लेकिन हालात सुधारने में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए और भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पास विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और पाकिस्तान की सरकार ने बेहद ही बुरे हालात होने के बाद भी भारत के साथ सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के हालात और बिगड़ते चले गए। वहाँ की जनता दाने दाने को मोहताज हो गई, गेहूं और चावल के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार हो गए, लेकिन सरकार को जनता की कोई फिक्र नहीं थी और ना है, क्योंकि भूखी प्यासी जनता को कोई मदद देने के बजाय उनके लिए बजट देने के बजाय अपने रक्षा बजट को बढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा और अगले वित्त वर्ष में रक्षा क्षेत्र का बजट 15.5% बढ़ाकर 1.8 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रख दिया। मैं सिर्फ अब आगे पूछता हूँ कि मुझे क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुझे, मेरी बहनों के ऊपर और भी रिश्तेदारों के ऊपर इन्होंने किया है, ये इसी तरह की सख्ती की है। सब बैठे हैं, हम सह रहे हैं सब। मेरे घर अभी तक सिक्योरिटी का जो चीफ था वो अभी तक गायब हुआ हुआ है, उसको उठा के ले गए। यहाँ से वो आए बच्चे बेचारे सोशल मीडिया के, परसों उनको पकड़ के ले गए। वकील मेरा आया जो उसका कोई ताल्लुक ही पार्टी से नहीं था, वो और उसके ड्राइवर को अगवा करके ले गए, वो रात तक उसको रखा। तो क्या मैं इससे डर जाऊंगा या पीछे हट जाऊंगा? क्या मुझे इससे, ये जो केसेस हैं, कत्ल का केस मेरे ऊपर कर दिया, मेरी बहन के ऊपर केस किया हुआ है एंटी करप्शन ने, 6 अरब की जमीन लैया में लिया उसने जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। यानी ऐसे डफर हैं लोग, मैं वाकई ये डफर ही होंगे, वो एंटी करप्शन से केस करवाया, वो उसने चेक से पैसे दिए थे और पैसे कितने थे, 6 करोड़ की जमीन थी, 75 लाख ऊपर टैक्स दिया हुआ है, वो चेक से सारा दिया है, वो चेक के नंबर्स हैं, चेक की डेट है, और वो कब दिए हैं, वो मेरी बहन ने वो कब ये प्रॉपर्टी खरीदी, जब हमजा शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, मैं प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था तब। तो अब सोच लें कि ये किस सतह के ऊपर पहुंच गए कि 160 केसेस हो गए मेरे पर, क्या मैं पीछे हट गया हूं, क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं तैयार बैठा हूं, मुझे पूरा पता है कि इन्होंने जेल का प्लान बनाया हूं, मैं तैयार हूं जेल के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, जब मैं जेल चला जाऊंगा डिस्क्वालीफाई कर देंगे मुझे, इतने केसेस हैं कभी भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा? ये मेरी आज बात याद रख लें, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बार बार फेल हो चुकी है। ये जो आप करने जा रहे हैं, मेरी जरा सुन लें बात, मुझे आप डिस्क्वालीफाई करेंगे, मैं जेल में डालोगे तब भी पीटीआई जीतेगी। तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, ये जुल्म की वजह से और लोग हमारे साथ आ गए हैं, लोग छोड़ इसलिए नहीं रहे, लोगों को भी पता है, नीचे से पता है, पब्लिक उनके साथ खड़ी है। वर्कर क्यों नहीं छोड़ के जा रहा, वर्कर जेलों से निकलता है उसको सोचें बुरी तरह रखते हैं, वो अदालत में जाता है तहरीक इंसाफ जिंदाबाद के दायरे निकालता है, वो क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि कौम जब एक नजरिए के साथ खड़ी हो जाए, आप डंडे मार के उनको नजरिया नहीं उनसे निकाल सकते। ये जो भी पॉलिसी बनाई हुई है जुल्म करने की, ये फेल हो गई है, ये पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे, मेरे से आज लिख के ले लें, तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। बल्कि आपने पीडीएम का जनाजा निकाल दिया, आपने इन पार्टीज को बिल्कुल जो रही सही कसर है खत्म कर दी है, ये अब इलेक्शन ही नहीं लड़ने के काबिल। ये वो इलेक्शन कोशिश करेंगे, वो जो अभी कराची के अंदर वो जो मेयर का इलेक्शन हुआ, उस टाइप इलेक्शन, वो मेयर का इलेक्शन तो हो सकता है इनडायरेक्ट, जब जनरल इलेक्शन होगा इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों का, वो कोई कंट्रोल नहीं उसको कर सकता, जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे हारना। लेकिन ये मुल्क का क्या बन रहा है,
मैं तो सिर्फ इसलिए आज पूछ रहा हूं, मैं बार बार डायलॉग की बात इसलिए करता हूं, मुझे अपने मुल्क की फिक्र पड़ी हुई है, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। क्योंकि जो भी आप करेंगे, मुझे ये अल्लाह, जब कौम साथ खड़ी है तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है, लेकिन मुल्क की फिक्र है। क्योंकि मुल्क, हम लेबनान की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं, हमारा मुल्क तेज़ी से नीचे जा रहा है। और सबसे खौफनाक, जब एक कौम के लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाए,